सपा के समर्थक नेताजी के चाहने वाले उनके लिए मंदिरों में हवन पूजन कर रहे हैं। चार अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं नेताजी के लिए हवन किया जा रहा है। लखनऊ हो, वाराणसी हो, सैफई हो, देवरिया हो, जो समर्थक हैं मुलायम सिंह यादव के, जो उनके प्रशंसक हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हवन पूजन कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार हो, वो ठीक हो, अस्पताल से डिस्चार्ज हो, ये कामना करते हुए लोग किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं आप देख सकते हैं। हवन पूजन भी हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। इनमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले हैं, उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं और प्रशंसक हैं, जो लगातार कल भी आपने देखा अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आई, वो लखनऊ की तस्वीर हो, वाराणसी की तस्वीर हो, सैफई की तस्वीर हो और इटावा की तस्वीर हो, हमने आपको दिखाई कल भी और आज की तस्वीर आप देख सकते हैं। चार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है जहाँ पर नेताजी के जल्द स्वस्थ होने को लेकर हवन पूजन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है और लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जल्द से जल्द नेताजी ठीक हो इसकी कामना कर रहे हैं। वाराणसी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्सी घाट की तस्वीर है जहां पर हवन किया गया और मंदिरों में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। सैफई की तस्वीर आप देख सकते हैं और साथ ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब अनुभव शुक्ला लखनऊ सपा ऑफिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। नीतीश पांडे बने हुए वाराणसी से, उनका भी रुख करेंगे। शक्ति गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं, वो जुड़ेंगे कुछ देर के बाद, उनका भी रुख करेंगे। विवेक त्रिपाठी बने हुए सैफई गांव से, उनकी मौजूदगी है। सबसे पहले विवेक का ही रुख कर लेते हैं, सैफई में उनकी मौजूदगी है। विवेक, वहां पर किस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है लखनऊ से लेकर के सैफई तक सन्नाटा पसरा है और जो करीबी हैं, जो चाहने वाले हैं, जो वहां पर समर्थक भी हैं, वो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, वहां पर सन्नाटा है। विवेक, बिल्कुल दीपा, देखिए सैफई में तो सभी लोग जा चुके हैं जो परिवार के लोग हैं। यहाँ सिर्फ अभय राम यादव, यानी जो मुलायम सिंह के ठीक दूसरे नंबर के, यानी जो बड़े भाई का देहांत हो चुका है, उसके बाद मुलायम सिंह हैं और तीसरे नंबर पे जो हैं अभय राम यादव हैं, उनके बाद शिवपाल यादव हैं। अभय राम यादव का मकान है जहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ वही मौजूद हैं, अकेले घर पर उनके परिवार के सदस्य भी नहीं हैं, सिर्फ अभय राम यादव हैं और मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग हैं और इधर उधर से जो परिवार के लोग हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो मौजूद हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर पर मुलायम सिंह का आवास है, यानी ये पूरा एरिया देखिए तो सैफई जो एक गांव हुआ करता था पूरा, जिसको डेवलप कर दिया है, एक जो शहर होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, उससे ज़्यादा भी खूबसूरत शहर इसको बना दिया है मुलायम सिंह यादव ने उस गाँव को डेवलप करके। और इसी जगह पर थोड़ी दूर पर मुलायम सिंह यादव का आवास है, जो पुराना आवास था, सबसे पुराना, जब वो शिक्षक हुआ करते थे, उसके बाद उसी आवास में अखिलेश यादव का जन्म हुआ और अखिलेश यादव के बाद अब देखिए आ गए हैं नेताजी के भाई, आ गए हैं यहाँ पर भाई आ गए, देखिए अभी अभी उतरे हैं ये ऊपर से सीढ़ियों से उतरे हैं और बैठने जा रहे हैं यहाँ सबसे। इनका काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था दद्दू का, यहाँ उनको दद्दू कहते हैं। दद्दू, तबीयत बहुत अच्छी है। दद्दू कैसी है तबीयत? बैठो, आपकी भी, दद्दू की भी तबीयत ठीक नहीं है और लगातार ये दवाइयाँ ले रहे हैं, दद्दू भी अस्वस्थ हैं। जी देखिए देखिए, अभी अभय राम यादव बता रहे थे कि उनकी तबीयत खुद भी खराब है, अब वो किसी तरीके से नीचे आए हुए यहाँ पर आकर के अभी जस्ट बैठ रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। अभय जी, पहले ये कि आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है, ठीक है यार? अब मैं बात तो नहीं करो, नहीं सजा रहा कुछ ठीक है। हम अभी दद्दू से बात नहीं करेंगे, अभी अस्वस्थ हैं और इस मुश्किल की घड़ी में उनको परेशान नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि वो वाकई में बहुत परेशान हैं दद्दू और स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, खुद भी बुरी तरह से परेशान हैं और बेचारे अकेले भी हैं। उन्होंने अपने सहयोग के लिए गाँव से और दूर के रिश्तेदार कुछ हैं उनको बुलाया है कि हम यहाँ पर अकेले हैं, अकेले ऐसे इतने बुज़ुर्ग हैं और उनकी भी उम्र हो गई है, दवाइयों पर चल रहे हैं, सुबह से परेशान हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, लोग उनको पूछ रहे हैं और इसी वजह से वो ऊपर थे, यानी ऊपर बैठे हुए थे और अब नीचे आए हैं। जब दोपहर करीब 3 बजने वाला है, 3 बज चुका है, तब वो नीचे आए हैं और इस समय बैठे हैं, सबसे मिलेंगे यहाँ। देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, ये सब बुजुर्ग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं दादा जी? हम सैफई के ही। हाँ, तो दद्दू अब नीचे आए हैं, आप लोग बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, क्या समाचार उनके बारे में, मुलायम सिंह के बारे में? अब सोच तो ये रहे कामना जल्दी से स्वस्थ हो जाए, समझे, और जो है थोड़ी शांति की बात है, ये बात करेंगे, समझे, उनसे पूछिए तो वो सारी बात बताएंगे। कितने बुजुर्ग हैं यहाँ पर और जो छोटे छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी हैं, लेकिन बुजुर्गों का यहाँ देखिए। दादा, आप तो यही सैफई के? हाँ। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कुछ समाचार मिला, कैसी तबीयत है? अब तो सुधार हुए,
सुधार, हाँ सुधार हो रहा है। आप लोग यहाँ कब से बैठे? अरे आए, हाँ दद्दू से बात हुई दद्दू यानी अरे आओ दद्दू कर ले बात बात हुई ना अब यहाँ तो कर आए ऊपर से आज सुबह मुलाकात नहीं हुई सवेरे तो भाई सवेरे चलिए गड़बड़ आती अब तो सुधार है। समाचार के इंतजार में ये लोग भी हैं जितने बुजुर्ग हैं वो समाचार के इंतजार में हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलायम सिंह यादव का उनके भाई भी यहाँ पर पहुंचे उनकी भी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है उनसे बात कीजिएगा जब वो अच्छा महसूस करे अच्छा फील करे उसके बाद उनके पास आप जाइएगा। आज शक्ति जुड़ चुके हैं हमारे साथ शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति आपके पास कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कोई अपडेट उनकी हालत को लेकर? कुछ देर पहले हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहा गया कि अभी भी आईसीयू में ही है इसका मतलब हालत नाजुक अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल हालत जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं एसपी सिंह बघेल जब उन्हें देखने के बाद निकले और वापसी आए वापसी आने में हमने उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि अभी आईसीयू में है लेकिन जो हालत है वो कल से बेहतर है। वैसे वहां जो आईसीयू की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है अखिलेश यादव ही सबको ब्रीफ कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं तो अखिलेश यादव का ही ये कहना है कि कल से बेटर हालत है और हालत में थोड़ा बहुत सुधार जरूर है लेकिन अभी हम बिल्कुल भी यह बात नहीं कह सकते कि बिल्कुल सुधार है क्योंकि जो हेल्थ बुलेटिन आया था उसमें साफ साफ ये साफ साफ ये था कि आईसीयू में भी भर्ती हैं और पैनल जो है वो विशेषज्ञों का जो पैनल है वो देख रेख कर रहा है और मुलायम सिंह की जो हालत है हालत में हल्का फुल्का ही सुधार देखने को मिला। ज़्यादा अभी कहना जल्दबाजी होगी। मुलायम सिंह की हालत कल जब दोपहर में बिगड़ी बिगड़ने के बाद ही उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और उसके बाद जब रात में थोड़ा आराम मिला तो अखिलेश यादव भी यहां से निकल गए और सुबह 4 बजे बताया गया कि सुबह 4 बजे दोबारा से उनकी हालत ख़राब हुई जिसके बाद जो एक पैनल था पैनल लगातार उनकी देखरेख कर रहा है जो डॉक्टरों का पैनल है विशेषज्ञों का पैनल है वो उनकी देखरेख कर रहा है। तो फिर यहाँ पर कहें तो सबसे पहले रामगोपाल यादव पहुँचते हैं फिर अखिलेश यादव पहुँचते हैं डिम्पल यादव पहुँचती हैं और लगातार जो पहुँचने का जो सिलसिला है वह लगातार इस समय जारी है। लगातार जो उनके परिवारजन के हैं जो पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद वो भी जानना चाहते हैं कि इस समय मुलायम सिंह यादव की हालत कैसी है। लेकिन जिस तरीके से अभी ताज़ा अपडेट यही है कि एसपी सिंह बघेल अब से कुछ देर पहले ही वहाँ देख कर निकले हैं और बात कर कर निकले हैं अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव से बात करने के बाद उन्होंने हमसे बात की और बात करने के बाद बताया कि हालत कल से बेहतर है यानी कि जो हालत कल थी यानी कि कल जो चिंताजनक बनी हुई थी आज उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार है और थोड़ी बहुत हालत उनकी सही जरूर हुई है। तो लगातार जो लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला हालांकि वो यहाँ पर जारी है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह के लिए जो पैनल गठित किया है वो बहुत ही अच्छे डॉक्टरों का है और विशेषज्ञ बघेल वहाँ पर पहुंचे हालचाल जाना वहाँ से निकल गए हैं मेदांता अस्पताल में उनकी मौजूदगी थी अखिलेश यादव से भी वो मिले और नेताजी की सेहत को लेकर उन्होंने जानकारी उनसे भी ली है। आप रहे हमारे साथ अनुभव का एक बार रुक कर लेते हैं। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।